Children, today's topic is light travels in straight line. Shine a torch in a dark room. Can you see a circle of light in front of you? Move the torch to your right. You will now be able to see objects on your right, but not in front of you. Why do you always see only the objects directly in front of the torch? This is because light travels in a straight line. Have you ever seen the light from the cinema projector traveling to the screen in front of it? Are there any other ways to find out whether light travels in a straight line? The property of light traveling in a straight line is called rectilinear propagation of light. Children, when you shine a torch in a dark room, then you will see a circle of light in front of you. When you move your torch to your right, you will be able to see the objects on your right. When you move the torch to left, you will be able to see the object on your left. But you will see only the objects in front of the torch. This is because light travels in a straight line. आप जब टॉर्च को लाइट करोगे डार्क रूम में, तो आप देखोगे कि लाइन जो टॉर्च की रोशनी है वो सीधे आती है. ये हमेशा आपने देखा होगा कि लाइट हमेशा सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. ओके, For this you have to do this activity, children. When you will do this activity, then you will come to know that light travels in a straight line. Okay? This you have to do at home and it will be clear to you that light travels in a straight line. इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस कैंडल की सीध में कार्डबोर्ड्स रखने हैं तीन, और उसके बीच में एक ही लाइन पे आपको होल करने हैं कार्डबोर्ड में. ठीक है, तो कैंडल की जो रोशनी है वो उस होल से सीधे आपको दिखेगी. ओके, अगर आपने बीच का कार्डबोर्ड हटा दिया, ऊपर या नीचे कर दिया, तो फिर आपको इसके आगे की लाइट नहीं दिखेगी. इससे ये हमें प्रूव होता है कि लाइट सीधे रास्ते चलती है. ओके, नाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. नाउ रेज एंड बीम्स. यू हैव लर्न दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन कॉल अ रे ऑफ लाइट. अ रे कैन बी शोन बाई अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड टूवर्ड्स द डायरेक्शन इन विच लाइट इज ट्रैवलिंग. एक कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट. ओके, नाउ चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट एंड दिस एरो शोज द डायरेक्शन इन विच द लाइट इज ट्रैवलिंग. ओके, एंड मैनी रेज टूगेदर दे फॉर्म द बीम ऑफ लाइट. दिस सिंगल इट इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट एंड मैनी रेज टूगेदर दे आर कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट. मीन्स एक साथ लाइट की जो किरणें होती हैं उसे हम बीम कहते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग टू शेडो. यू मस्ट हैव सीन योर शेडो फॉलो यू एवरीवेयर. यू माइट ऑल्सो हैव सीन शेडोज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. वी हैव स्टडीड दैट ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम. What happens when light falls on an opaque object? Since light can't pass through it, the space behind the object appears dark. This is called a shadow. The dark patch formed in the space behind the opaque object where the light is partially or wholly cut off is called a shadow. This is the shadow. When an opaque object comes in the path of light, then the shadow is formed behind that object. This is called the shadow. जब लाइट सीधे आपकी तरफ आती है, तो उस लाइट के रास्ते में अगर आपने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, मतलब जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती है, तो क्या होगा, उस ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से लाइट आगे नहीं जाएगी, बल्कि उस शेडो उसका दूसरी तरफ उसका शेडो बनेगा. ठीक है, इससे हमें पता लगता है कि शेडो का फॉर्मेशन हुआ है. जब लाइट के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख देंगे तो शेडो का फॉर्मेशन होता है. कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडोज आर. कंडीशंस क्या क्या है, व्हेन द शेडो इज फॉर्म देयर मस्ट बी ए सोर्स ऑफ लाइट लाइक टॉर्च और एनीथिंग. देयर मस्ट बी एन ओपेक ऑब्जेक्ट विच ऑब्स्ट्रक्ट्स द पाथ ऑफ लाइट. लाइट के रास्ते को रोकने के लिए एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए बीच में. देयर मस्ट बी एन ओपेक स्क्रीन ऑन विच ए शेडो कैन बी फॉर्म्ड एज इट कैन नॉट फॉर्म इन द एयर. देन देयर मस्ट बी एन ओपेक स्क्रीन. एक स्क्रीन होनी चाहिए जिसपे कि शेडो का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि शेडो एयर में फॉर्म नहीं होता है. ओके, फॉर दिस यू हैव टू गो थ्रू द एक्टिविटी 4. इन दिस एक्टिविटी सी अ स्मॉल
Now in this torch, black tape is stuck there, and only a middle small portion is left, like small beam of light, so that the small beam of light can come. Okay. First, what you do is you have to, in front of a torch, you have to cover the torch with black tape. Okay, and then you have to make a small hole in the center. And what you have to do in the dark room, you have to switch on the torch and put it towards the wall. Here is the wall. Then place the ball in the path of light. See, you are placing this opaque object in the path of light. When ball is placed in front of the torch, when ball is placed, its shadow is obtained on the opposite wall. Okay. When the ball is moved towards the torch, means to the source of light, then the shadow will appear longer. When the ball is moved away from the source of light, means away from the torch, then the shadow will be shorter. Okay. In the above activity, you can change the color of the ball. Does it have any effect of the shadow? Observe the shadows of various colored objects around you. Are they of different colors? This you can do and see what happens. Okay. You will see that your shadow is always black. Moreover, it changes its length and direction during the day. This is because the position of the sun changes with time during the day. See, when at the noon time, our shadow is shorter. Compared to the morning and evening, shadow is longer, and in the middle it is little shorter compared to the evening and morning. Okay. Formation of shadow is a direct result of the rectilinear propagation of the light. This formation of shadow is also the result of the rectilinear propagation of light. See how the shadow is formed in a straight direction. An opaque object casts a dark shadow, translucent objects form a weak shadow, and transparent objects do not cast any shadow at all. When opaque object comes in between the path of the light, then dark shadow is formed. When translucent object comes, then a weak shadow is formed. And when transparent object is placed, then there will be no shadow at all. Okay. Now children, this much for today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you, children.